बैलून से डेकोरेशन करते हैं। ही लेट हो गया ना साडा शुरू है। बेटी पढ़ाओ योजना को सार्थक दिखता है। पंजाब च मनाया जा रहा मुख्यमंत्री साहब पटियाले सी और बाकी बख बख मिनिस्टरां दी ड्यूटियां लगियां सीगियां। मेरी जिम्मेवारी इत्थे सी और तुहानू पता है कि जदों साडी सरकार बनी सी मुख्यमंत्री साहब ने वादा कीता सी कि रुजगार देण दा बच्चियां नूं, उहदे तहत शुरू तो ही रुजगार मेले लगाए जांदे सी जिहदे च असीं भावें सरकारी नौकरियां तो नहीं बहुतियां दे सके पर प्राइवेट नौकरियां वड्डियां वड्डियां फर्मां नूं लिया के उत्थे बच्चियां नूं जिहड़ियां जॉब्स दवाईयां जांदियां सी और अज भी उस तहत ही इत्थे आया और बच्चियां नूं दो चीज़ां सी, एक ते वो जॉब्स जिहड़ियां मिलियां जिन्हां ने अपने काम किए सी उन्हां नूं सर्टिफिकेट दित्ते आ जिहड़े स्वै रुजगार लई और दूसरा गर्ल्स चाइल्ड डे ते अज साडियां बच्चियां नूं भी जिहड़ा सम्मानित कीता। सरकारी नौकरी अज तक पहलों तो 70,000 हो चुकी है पर हुण 1,00,000 होर सीएम साहब ने अनाउंस की सी जिहड़ी 20,000 पब्लिश भी हो चुकी है और जल्दी उन्हां नूं नौकरियां मिल जाणगियां। बड़ी दुखदाई घटना जी बहु इहो जिहियां क्योंकि इस वेले जिथे किसान अपनियां मंगां लई उत्थे लगे ने और कोई शरारती अंसर वालों इहो जिहा काम करना निंदन योग है। तुसीं इहदे विच पार्ट बनोगे हुण किसानां दे नाल अंदोलन दा? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਰਦੀ ਆ ਪੂਰੀ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਬੈਕਅਪ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ? ਦੇਖੋ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਆਉਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਗਏ ਆ ਔਰ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਬਿੱਟੂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ, ਨਾਲ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਹਲੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਜਾਈਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਗੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਗਏ ਕਿ ਉੱਥੇ? ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬਸ ਤੇ ਕੋਈ 15,47,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਔਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾਂ ਔਰ 1,00,000
18,000 जिन्होंने बैंकों तो लोन लैके जो अपने काम स्वैर रुजगार काम करने लिए जो लैके दिए गए देखो गुरदासपुर वाला प्रोजेक्ट सीगा जदों तुहानू पता पाकिस्तान नाल गल चली सी तो उदों ये पुरानी सरकार उदों ये नवीं नहीं सी अजे बनी गटकड़ी साहब सीगे उहदे मिनिस्टर साहबान और उन्होंने ये आख्या सी कि असीं जिहड़ा पंजाब अपना पानी आ हिंदुस्तान का ये पाकिस्तान नूं नहीं जान देंगे एक बूंद भी तो साढ़े उत्थे मकौड़ा पत्तन वह नाम वजदा कुछ तो साढ़े उतों शाहपुर कंडी उपरले पास्यों पानी आता कुछ उत्थे पानी आ के तो कुछ जिहड़ा जम्मू कश्मीर चा उत्थों आ के पानी उत्थे मिलता सी उत्थे पानी दोवां दा मिलाप हुंदा सी वह पानी सारा रावी च जाके फिर पाकिस्तान नूं जांदा सी और मैं उस वेले गया भी सां उहनां नूं मिलिया भी सां और असीं उहनां नूं आख्या सी कि सानूं कोई 400 करोड़ की जरूरत है असीं उत्थे डैम बणा दिंदे आ तो एक बूंद भी पाकिस्तान नूं पानी नहीं जाऊगा पर बदकिस्मती की गल है कि वो गांव मंत्री तो नहीं बन सके पर मैं उनकी चिट्ठियां बार बार लिखता रहा पर अज तक सेंटर गवर्नमेंट ने उन्होंने कुछ किया नहीं। ठीक है। 26 जनवरी मनाने के उपराले साडे मान योग मंत्री जी इत्थे विजिट किया असी गर्ल चाइल्ड भी बुलाया डे मनाया इस तो इलावा जिहड़े बच्चों असी नौकरियां दिलाईआं उन्होंने सर्टिफिकेट दिलवाए हैं जिहड़े बच्चों असी सैल्फ इंप्लायमेंट अपना काम आप खोलन वास्ते जिन्हां नूं असी लोन दिलवाए हैं वो बच्चों लोन दे सर्टिफिकेट सैंक्शन इशू कराए हैं तो इस तो इलावा जिहड़े फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं उन्होंने अपने आत्मनिर्भर बनने लिए जिन्होंने जॉब्स दिलवाई हैं उन्होंने सर्टिफिकेट दिलवाए हैं प्लस जिन्होंने लोनस लिते अपने काम करने लिए उन्होंने लोनस की जी सेंक्शन लैटर दिलवाई तो किन्ने स्टूडेंट किन्ने आए थे नौकरी लिए या तुसीं सर्टिफिकेट दिते या किन्ने की मात्रा दी इस मंथ दे इस साल दे तो बहुत सारे बच्चे हैं बट इस टाइम असीं ईवेंट नूं मैनेजमेंट करते हुए 125 दे करीब बच्चे बनाए। ठीक है। मेरा नाम नेहा कश्यप है मैं पंजाब के लुधियाना जिले की निवासी हाँ मैं 2019 के अपनी एम कॉम कंप्लीट की दैन उस तो बाद मैं अपने करियर प्रोस्पैक्ट के तहत यही देखा कि मैं कितने एक अच्छी नौकरी लभ सकती हाँ तो इस मैनू डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो बारे पता लगा जिथे मैं अपना रजिस्ट्रेशन करवाया तो इसी माध्यम के तहत मैनू एक अच्छी कंपनी के प्लेसमेंट हुई तो मैं काफ़ी खुश हाँ कि पंजाब सरकार ने यह इनिशिएटिव लिता होया कि जिस ना एक अनइंप्लॉयड यूथ एक अनइंप्लॉयड बच्चा जो है जो अगे अपने करियर में बदना चाहता वह एक वधिया प्लेटफॉर्म मिलिया वै यही पंजाब सरकार की मुहिम का असी दिलों धन्यवाद करते हैं कि वह इस तरह ही अपने अफेयरस नू अगे चालू रखन ताकि इस तरह के अनइंप्लॉयड यूथ नू एक वधिया प्लेटफॉर्म मिले ताकि वह अगे तो अगे वधन पंजाब सरकार का कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का असी बहुत बहुत धन्यवादी हाँ।